Assalamualaikum everybody, welcome back to my channel Sana Ahmed Official. This is me Sana Ahmed, आपका welcome है मेरे new vlog में. So आज का vlog जो है शाम से start हो रहा है और आप सोच रहे हो कि बुरखा पहनकर मैं start करूँ, मतलब बबाया पहनकर. तो yes everybody, actually we are going somewhere. आज हमारे घर में एक function, बहुत ही ज़्यादा unexpectedly function हमारे मतलब आया और now we are going for a shopping छोटी सी. Let's see what we'll have. Shirt डालो. शर्टलेस में इनको नहीं लेना चाहती हूँ दोस्तों. पर अगर आपने इससे पहले नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर दे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. ब्लॉग की कर दिए शुरुआत और ये भी हो गए रेडी शेडी, बस बटन शटन लगा ले फिर मैं इनको लेती हूँ टेक में. चालू करो ना. और चालू करो. मैं चालू ही है. चालू कर दिया पहलवान. हेलो एवरीवन, मैं खाली माथा माथा ले रही हूँ अमल गिरो ऊपर से. तो आप ही ले लो, तुम्हारा बस की बात नहीं है तो क्यों आगे से आगे बढ़ती हो तुम. हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है एंड हम लोग जा रहे हैं आज घर पर. एक्चुअली एक फंक्शन है, मतलब हमारे ही घर में है, मेरी मेरे मायके में. हाँ, मेरी कैसी मुस्कुराहट है, हंसे दे रही है. ऑब्वियसली नहीं हंसू क्या, आई बड़ी मतलब ना हंसू ना खुश हूँ क्या. 11 साल में खुशी नसीब हुई है उसको. यस, चार बेटे हैं मेरी कज़न को, उसको 11 साल में बेटी हुई है माशाल्लाह, चार बेटों पर. तो यार खुशी की बात नहीं है. और मैं तो एक्चुअली ज्यादा खुश जो है तुम हो, खर्चा मेरा कराओ. So, अभी हम लोग जा रहे हैं, छोटी सी मेरी छुटपुट शॉपिंग है, ज्यादा बड़ी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि अभी एक फंक्शन और आ रहा है इनके फ्रेंड के यहाँ, तो वहाँ हमें जाना है. तो मैंने सोचा कि अभी आज के फंक्शन की छोटी मोटी शॉपिंग है वो मुझे कर कर आनी है, बाकी बड़ी शॉपिंग जो है इंशाल्लाह करेंगे हम नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक जब भी होगा थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह. बट अगर आपने इससे पहले नहीं किया चैनल सब्सक्राइब हमारा, तो जल्दी से कर दे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. जी हाँ, चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. यार मैं छोटी हूं, वो ही छोटी छोटी औरत. क्या बोला तुमने, छोटी औरत बड़े आदमी. चले गाइस चलते हैं. चलते हैं, माशाल्लाह बोल दीजिएगा प्लीज हमारे लिए. और अब चलते हैं और इनकी जेब थोड़ी ढीली कराते हैं. ओके बाय बाय, मिलते हैं आपको आपसे या तो बाइक पर या बाजार में या रास्ते में, जैसा भी हो देख लीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन, खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारे शेयर कीजिएगा. और बस रात को जो फंक्शन है वो हम आप लोगों के, हाँ जो बेबी है उसका फेस तो रिवील अभी हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हाँ वहाँ पे जो भी गैदरिंग होगी, जो भी एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट होगा वो सना अहमद आपको जरूर दिखाएंगे. सिर्फ सलाह दिखाएगी, मैं तो खाना खाकर आ जाऊंगी. अच्छा बड़ा. और क्या, मेल वाले सेक्शन का दिखा देना तो मैं दिखाना. ऑडियंस को यार, ऑडियंस को तो मैं दिखाना. ऑडियंस को मुझे खैर सिर्फ तुम्हें लेकर जाना है, खाना खाना है यार. और वहाँ पर जो अपने दो तीन रिश्तेदार हैं इनके मैके के, जो इनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, सलाम करनी है, बैठना है, थोड़ी बातें करनी है. चल मेरा भाई घर पर, चल मेरा भाई घर पर, मैं जल्दी पकड़ में हाथ गया. चलो गाइस हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में. ओके बाय बाय. जगमग जगमग निकल चुके हैं दोनों मियां बीवी. दिवाली की रौनक, दिवाली की रौनक आने वाली है. एक्चुअली सही वाले मार्केट का ऑलमोस्ट ऐसे ही रहता है, आप देख सकते हो. चलो अभी चलते हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ लेके चलते हैं. अरे बाप रे जैम गाइस, यहाँ तो बहुत ज्यादा जैम लगा हुआ है और हमारा रूट ही यही है. लेट्स सी कि अभी क्या होने वाला है. ऐसे जैम में लेके आए हो तुम मुझे, दिखाया ना अभी मैंने दोस्तों. बहुत लंबा जैम है, आई डोंट नो मैं एग्जॉस्ट ना हो जाऊँ. मैं जो लेने आई हूँ वो भी भूल जाऊँगी, अल्लाह जाने. और शॉपिंग कहीं भी फंक्शन हो ना और शॉपिंग ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता. ज़्यादा ही जा रहे हैं, कह रहे कीप डिस्टेंस. पीछे बैठा पीछे है ज़्यादा. हाँ बेटी जो सेटिंग की तरह मेरी ए आया बड़ा. नहीं तो मतलब गाइस मैं इसकी बीवी हूँ, देखो कैसे कह रहा है बड़ा. वो शादी से पहले वाली बात अलग थी समझे, और मैं तुम्हारी बीवी हूँ ज़्यादा बोलो. शादी से पहले भी ऐसी बैठी रही चुपट चुपट. उनकी शादी हुए जमाना हो गया, हमारी अभी नई नई शादी हुई है, 6 साल हुआ है हमारी शादी को. ओके दोस्तों इनको समझा दो ठीक है, कमेंट में बताओ ये गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं.
देखो मेरे चेहरे की शॉपिंग के नाम पर। अरे कुछ समझ में? अरे लो दो लड़ी के पैसे काट लो। कितने का? इतना बहुत? इसमें गोल्ड स्पार्कल तो नहीं आएगा लगाकर? ऐसा तो नहीं होगा कि लड़की की समझ में आ रहा है ना? नहीं हाँ मैं सोचता हूँ। देखाओ पहली लो। वाह शानदार पैकिंग। पसंद कर लो ना, पसंद करो और संभाल कर। क्या बोल रही हो? टेस्टिंग के लिए देखना पड़ता है लिपस्टिक। हाँ तो वो आधा घंटे का काम है। दिखाओ हाथ, दिखाओ काका पे टेस्ट किया। दिखाओ तुम्हारी मर्जी। अरे समझ में कुछ नहीं, पूरा डिब्बा लेके बैठ गई है ये। पूरा डिब्बा बड़ा गंदा सा हो रहा है। गंदा हो रहा है लेकिन वो सही साफ वाला निकाल करेंगे, सिर्फ शीट की चेकिंग चल रही है है ना। पता नहीं, बोलो बोलो अभी देख के दिखाओ भाई। इनको बड़े सस्ते में निपटा दिया तुमने? यस मैंने। चलो क्यों ज्यादा खर्चा हुआ क्या? मेरा अंकल लूट लिया, चार दिन की कमाई आधा घंटा में खर्च। जरूर गाइस मैंने बहुत सस्ते में निपटाया है। फिलहाल अभी मैं दोबारा आने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें लेने। अभी वैसे जो भी मुझे चाहिए था फाइनली मुझे मिल गया। चलो चलते हैं अब घर पर, फिर दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया। फाइनली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, और अभी तो वैसे मैंने इनको बहुत सस्ते में निपटाया है लेकिन अभी बहुत सारी शॉपिंग रह गई है तो वो भी करनी है। देखो गाइस ये हमारा बुद्ध बाज़ार जो कि माशाल्लाह पूरी तरीके से चेंज हो गया, अपना चांदनी चौक बन गया है पूरा, मुरादाबाद का चांदनी चौक। अब चले घर चले, मुझे भी जाना है काम से फिर अपने टाइम है भी 6 बजे। ठीक है तो फिर अब मैं घर जाकर अपना थोड़ा सा क्लीन अप वगैरह कर लेती हूँ, फ्रेशन अप हो जाती हूँ एंड तैयारी सारी कर लेते हैं, फिर चलते हैं आज के फंक्शन में। वो जस्ट शॉपिंग वॉपिंग कर मैं आ चुकी थी घर पर और अभी जस्ट मैं डिस्कार्ड कर रही थी और देखिए मेरे हाथ का क्या हाल हो रहा है। मेकअप लेने जाओ ना तो यही होता है और मुझे मालूम है कि ये वाली वीडियो में लोग बहुत एक्साइटेड होंगे कि क्या लेकर आई मैं, है ना। तो चलो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को मैं क्या क्या शॉपिंग कर आई हूँ। मुझे लगता है ये वाला ब्लॉग तो मेरा प्रिपरेशन ब्लॉग ही चला जाएगा, तैयार होकर वहाँ जाना और वहाँ का सब आपको दिखाना वो तो मेरे ख्याल से अलग ही ब्लॉग में कर पाऊँगी। सो यहाँ पर जो है मैं आपको प्रिपरेशन दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। बट पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं जाऊंगी लेकिन जब हस्बैंड ने बोला कि नहीं यार ज़रूरी है जाना, फिर कज़न अपनी फूफीजात बेटी है तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो चलो मैं दिखाती हूँ क्या क्या लेकर, बहुत ही मिनिमल सी चीज़ें लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट सब कुछ था लेकिन थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो जाता है तो फिर होता है ना कि लेना है तो डिस्कार्ड कर दिया है। ये सारा का सारा मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, फेंक दूँगी। ठीक है लाइट्स खोल के दिखा दो आपको, ये सब डिस्कार्ड कर रही हूँ। लिपस्टिक हो गया, लाइनर, मस्कारा, ये सब मेरा पुराना था। ये देखो मेरे हाथ का कंडीशन, ये सब मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। लेकर आई हूँ सारी चीज़ें, मैं दिखा देती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ठीक है मैंने लिया ये फिट मी का फाउंडेशन, बहुत ही बढ़िया फाउंडेशन रहता है और ये आप लोग ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये मैं काफ़ी टाइम से लेना चाह रही थी लेकिन मुझे बस ये था कि एक बार मैं ट्राई कर लूँ फिर अपने सब्सक्राइबर्स के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। तो इसे लगाकर फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसा ये मेरे स्किन पर गया। ये मेरा ही है शेड, आइवरी है ये शेड। ठीक है गाइस एंड इसका नंबर तो मेंशन नहीं है लेकिन ये आइवरी शेड है, मैट प्लस पोरलेस। ठीक है ये जो है मियोन का मैंने लिया है फाउंडेशन गोल्ड 24K गोल्ड। मैंने हिलेरी स्विस ब्यूटी का मैंने लिया है काजल क्योंकि मुझे ना सुरमी लगा दी निकल जाती थी, ये स्मज नहीं होता है तो ये लिया है। हिलेरी उडा HR का लिप बाम लिया है, बहुत बढ़िया है ये भी। एंड मियोन का मैंने जो है मस्कारा लिया है,
ये मस्कारा है और ये लाइनर है, ठीक है। और ये मैंने दो वाइप्स लिए हैं क्योंकि मुझे ना मेकअप रिमूवर के लिए चाहिए होता है, एक ये वाला और एक ये वाला। एक तो मैंने लिया है, आई थिंक ये ओशन ब्यूटी का है, मुझे नहीं पता ही कौन सी ब्रांड है। एक मैंने HR का लिया है, हिलेरी हुडा का। तो ये दो वाइप्स लिए हैं और ये लिए हैं बड़ी मज़े की लिपस्टिक्स, ये देखें मियोन की। ये मैंने लिए लिपस्टिक मैट मेटिफिनिटी, ठीक है, मियोन की। एक ये शेड, एक ये वाला, ये पीच, ये आई थिंक ब्लू कलर, ये आई थिंक थोड़ा सा इस शेड में है, जैसे मैंने नाइटी पहन रखी है सेम इस शेड में, और एक थोड़ा सा मैंने ब्राउन शेड में, क्योंकि लिपस्टिक्स मेरे पास बहुत है आप देख सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली मैंने ये सारा सामान जो है आज खरीद कर लेकर आई हूँ। ये थोड़ा सा सामान ही बहुत एक्सपेंसिव है गाइस, क्योंकि सारी ब्रांड्स हैं, लेकिन बहुत मज़े के प्रोडक्ट्स हैं। इनका रिव्यू मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये प्रोडक्ट्स मेरे लिए कैसे रहे और मैं स्किन पर भी लगा कर। फाइनली मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट्स मैं लाई हूँ ये मेरे स्किन पर कैसे गए और ये मेरे स्किन को लाइक ग्लो करेंगे नहीं करेंगे, या क्या इसका रिव्यू जो होगा एग्जैक्टली सारे प्रोडक्ट्स का, क्योंकि मैं सारे ही प्रोडक्ट्स ना मियोन के और मेबलिन एंड हिलेरी हुडा स्विस ब्यूटी मिक्स प्रोडक्ट्स है सारे ब्रांड्स के, सो ये लेकर आई हूँ। तो मैं ये लगाऊंगी और जैसा भी रहेगा फेस आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब मैं सोच रही हूँ फटाफट से अपने स्किन केयर कर लेती हूँ, क्योंकि स्किन केयर के बिना कोई भी मेकअप लगाओ अच्छा नहीं लगता है। जब स्किन अच्छी होगी, हेल्दी होगी, तभी तो मज़ा आएगा मेकअप का। तो स्किन तो वैसे ही ग्लो कर रही है पहले ही। मैंने एक्चुअली अभी ना एक अपना हाइलाइटर लगा कर देखा था, बहुत ही मस्त हाइलाइटर है यार, ये मज़ा आ गया। चलो खैर, मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैं फटाफट से पहले स्किन केयर कर लूँ। मैं स्किन केयर में क्या करने वाली हूँ वो भी दिखा देती हूँ आपको। नॉर्मल सा एक पैक लगाऊंगी जिससे स्किन बहुत अच्छी एंड ग्लो हो जाएगी, वाइटामिन सी का, एंड दैट्स इट, वाइटामिन ई का सॉरी। तो बस फटाफट से लगाते हैं और उसके बाद फिर रेडी शेडी होकर आपसे मिलूँगी। देखती हूँ, अगर व्लॉग लंबा हो गया तो भाई दो पार्ट में कर दूँगी, और नहीं तो फिर आप देखते रहिए। जो सी, ये एक वाइप ने पूरा का पूरा मेरा मेकअप ऐसे निकाल दिया जैसे कि कोई बात ही नहीं है। मतलब लिटरली दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग। आप देख सकते हो स्किन कितनी क्लीन हो गई, मुझे वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी हर प्रोडक्ट का आपके साथ। ये देखो, लिपस्टिक एक ही स्वाइप में निकाल दिया इसने, माशाल्लाह। ये ओशन ब्यूटी कर कोई ब्रांड है, ब्लूबेरीज का जो है वो फ्रेग्रेंस है, और बहुत ही मज़े का ही प्रोडक्ट लगा मुझे गाइस सच में। और ये हाईली रिकमेंड करूँगी मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को लेना है तो आप ले सकते हो। मैं इसको एक बार दिखा देती हूँ। सो ये रहा, कुछ इस तरीके से है ये, बहुत ही बढ़िया। तो बड़े मज़े का प्रोडक्ट है भाई, मस्ट बाय है। अगर आपकी तरफ नहीं मिलता है, मैंने वैसे लोकल मार्केट से लिया है, बट बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। एंड जो भी प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगेंगे अपने स्किन पर और मुझे लगेगा कि वर्थ है, बाय करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगी। ये हाथ देखा था कितना ख़तरनाक तरीके से ख़राब हुआ हुआ था ना, याद है? अभी दिखाया था मैंने लास्ट क्लिप में, और अभी मैंने इस वाइप से ना पूरा क्लीन किया है, आप देख सकते हो। और इसने इतना बढ़िया क्लीन कर दिया, आई कांट इवन टेल यू, सी वेरी नाइस। बेसिकली द ब्रांड इज़ ओशन ब्यूटी एंड स्किन फ्रेंडली वाइप्स हैं, ब्रीथिंग फेस ग्लो फेस है, सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। तो ये मस्ट बाय है, आप लोग ले सकते हो, 25 पीसेस इसमें आते हैं। सो दिस प्रोडक्ट इज़ हाईली 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 रिकमेंडेड। ब्यूटी ब्रांड मुझे देख रही है तो आप मुझे कोलैबोरेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी मेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में, कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर कोलैबोरेशन फॉर एनी प्रोडक्ट, एंड ऑब्वियसली आई एम रेडी टू डू। गया था मुझसे वो, उन्होंने वीडियो कॉल किया, पूछ रही थी क्या पहनने वाली हो, तो आज मैं ये वाला आउटफिट पहनने वाली हूँ गाइस। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताओ। और मेरे ख्याल से ये मैं दूसरी या तीसरी बार ये ड्रेस पहन रही हूँ, मेरे ख्याल से जब से स्टिच हुआ है ये। आई थिंक मैंने अपने कज़न के मंडे पर पहना था, मेहंदी पर, मतलब ठीक है उपटन पर, उसके बाद एक बार और पहना था, और मेरे ख्याल से या तो ये तीसरी बार पहनी हूँ या चौथी बार ये आउटफिट। और ये इतना हैवी है ना, इतना प्यारा, इसका नेक लाइन बहुत खूबसूरत है, बोट नेक है, बहुत खूबसूरत सा डिसेंट सा पीस है, और हकीका सेरेमनी है तो उस हिसाब से परफेक्ट जाएगा। कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अभी मम्मी का वीडियो कॉल मैंने किया तो मम्मी को सब सामान दिखाया मैं क्या क्या लेकर आई, कि दिखाओ क्या लेकर आई हो तुम। तो मैंने फिर मम्मी को दिखाया, मम्मी बोली फटाफट से मुझे ड्रेस दिखाओ, ड्रेस दिखाया, मेकअप दिखाया, क्या क्या लेकर आई। मम्मी लोगों को क्यूरोसिटी होती ना बेटी क्या लेके आई है, तो बस फिर डिस्कस किया कि क्या करना है आज, गिफ्ट्स क्या देना है, ये वो एंड ऑल, वो सब डिस्कशन किया। एंड अब जो है फटाफट से मैं जाऊँगी स्किन केयर करूँगी, और उसके बाद फिर रेडी शेडी जाऊँगी। तो बस मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं, चलो स्किन केयर के बाद मिलती हूँ, एंड जैसा होता है आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। सी दिस आई, एंड अभी मैंने काजल अप्लाई किया जो लेकर आई हूँ। ओह माय गॉड, इट इज़ सो डार्क, यू कैन सी। और गाइज इतने मज़े का प्रोडक्ट है ये, लैक्मे का है काजल,
स्विस ब्यूटी का पर इतना डार्क और जेड ब्लैक है ना, माशाल्लाह हाईली रिकमेंडेड है ये भी। इतना मतलब इतना इजीली ये स्वाइप हुआ है ना, इतना इजीली मैंने इसको अप्लाई किया, इतना इजीली ब्लेंड हुआ है, आई कांट इवन टेल यू। आज की वीडियो तो पूरी प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो हो गई सच में। आप देख सकते हो ये वाला आई और ये वाला आई, ठीक है। एंड गाइस सीरियसली कितना प्यारा ब्लेंड हुआ है ये। तो अब आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट का कमाल। और मैं जो जो प्रोडक्ट लाई हूँ सारी की सारी ओरिजिनल ब्रांड्स हैं, क्योंकि मैं फेक ब्रांड्स यूज़ नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये ओरिजिनल है स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट। और ये जो है ना उन मतलब जहाँ से मैंने लिया है ना, तो वो हमेशा ओरिजिनल में ही लाइक डील करते हैं। और स्विस ब्यूटी का जो ये वाला काजल है ये हाईली रिकमेंडेड है। ये आपको अमेजोन या फिर आपको पर्पल पर या नायका पे इजीली मिल जाएगा। तो मैंने तो वैसे लोकल मार्केट से लिया, लेकिन आप लोग ये ऑनलाइन ले सकते हैं। अगर मुझे कोई लिंक मिला ऐसा तो मैं शेयर कर दूँगी, आप लोग परचेज कर सकते हो। बाकी ये हाईली रिकमेंडेड है काजल यार, सच में इतना मज़े का ये लाइक आई एम टोटली स्पीचलेस। चले गाइस थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। मैं ज़रा इसको ना मैंने अभी निकाला, फिर आप लोग के साथ शेयर कर दूँ कि कितना मज़े का ब्लेंड हुआ है। कैन यू सी, बाय बाय। इसकी पैकेजिंग ठीक है, ये स्विस ब्यूटी डीप ब्लैक काजल है, रिट्रैक्टेबल 2x कम्फर्ट। एंड इसमें क्या है, ये कम्स विद 2x कम्फर्ट। सीरियसली बहुत ईजिली ये ब्लेंड हुआ है, बहुत मज़े का काजल है यार। सीरियसली हाईली रिकमेंडेड है स्विस ब्यूटी का ये काजल। आज का व्लॉग तो आपको बड़े मज़े का लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग चाहते थे बहुत टाइम से कि सना भी कुछ डिफरेंट दिखाओ। तो आज आपको मैंने कुछ डिफरेंट ही दिखाया, और आई होप आपको मेरा आज का जो व्लॉग है बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो। क्योंकि आज के व्लॉग में शॉपिंग रही, प्रिपरेशन रही, फंक्शन की प्रिपरेशन, शॉपिंग एंड मेकअप और स्किन केयर, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की है मैंने आज के व्लॉग में। एंड अब जो नेक्स्ट व्लॉग है, इसके बाद वाला व्लॉग वो फंक्शन का रहने वाला है। सो माशाल्लाह ये जो व्लॉग है, आई थिंक आपको, आई होप सो कि आपको ये जो रिव्यू मैंने प्रोडक्ट्स के दिए हैं, इस तरह का व्लॉग अगर और भी चाहिए आपको आगे, तो इंशाल्लाह मैं जो जो यूज़ करूँगी प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करती रहा करूँगी, ठीक है। एंड बाकी ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैं आज अप्लाई करूँगी स्किन पर अपने, एंड जो भी मैं मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेकअप एंड ऑल ट्यूटोरियल वगैरह, वो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में रहने वाला है, ठीक है। मेकअप ट्यूटोरियल, फंक्शन की गैदरिंग, फंक्शन बेबी एंड ऑल, उसकी मदर सबसे मिलवाऊँगी इंशाल्लाह वहाँ पर, अपनी आंटी वगैरह, अपनी फूफी वगैरह सबसे मिलवाऊँगी, कज़न वगैरह सबसे इंशाल्लाह। सो फटाफट से ना मैं सोच रही हूँ कि बस अब इस व्लॉग को यहाँ पर एंड कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो जाएगा फिर। तो इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, जो मैं अभी स्टार्ट कर दूँगी जस्ट, क्योंकि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ फ्रेशन अप होना है, स्किन केयर करना है, फ्रेशन अप होना है, स्किन केयर किया, बस फटाफट से फेस पैक लगाऊंगी एंड दैट्स इट। उसके बाद मैं शावर ले लूँगी एंड देन मैं रेडी शेडी हो जाऊँगी, फिर वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाई दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं लूँगी अपने व्लॉग की क्लोजिंग। अहमद जो है वो बाहर हैं, अपने काम से गए हैं, मुझे शॉपिंग कराकर वो अपने काम से निकल गए थे। अभी मेरा ब्यूटी ब्लेंडर रह गया है, तो हो सकता है वो लेते हुए, क्योंकि उसके बिना तो कुछ काम हो नहीं सकता। तो आई होप आपको मेरा आज का जो है ये फंक्शन की प्रिपरेशन, शॉपिंग, फंक्शन प्रिपरेशन, मेकअप व्लॉग पसंद आया तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और हो सकता है अहमद आ गए हैं, तो बस यहाँ पर लूँगी व्लॉग की क्लोजिंग। आई होप आपको मज़ा आया मेरे आज के व्लॉग में। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जितना हो सके सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो वीडियो को। एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ भी करवा देती हूँ अहमद सदात से। अहमद सदात अल्लाह हाफिज़ कर दीजिए, व्लॉग की क्लोजिंग कर दी है। अल्लाह हाफिज़।